प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फकर यूसुफ जई को, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान और इंडिया दोनों पड़ोसी मालिक हैं, दोनों के ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं, चले इसराइल के साथ इंडिया के ज्यादा ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं, लेकिन बाकी अरब दुनिया के साथ दोनों कंट्रीज के अच्छे ताल्लुकात मौजूद हैं। क्या हो सकता है, क्या नुकसान है, और फिर अवाम, मैं आम जनता की बात करूंगा कि वो क्या रिएक्ट करते हैं, पाकिस्तानी हो या फिर इंडियन हो, इस हवाले से भी कोशिश करेंगे बात करने की और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे खैर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद है आप सबकी जानी पहचानी, बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वुमेन राइट्स के लिए काम करती है और इसके साथ साथ पॉलिटिकल जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए भी काम करती और अक्सर औकात हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते रहते हैं। नाज़िया अली खान ने मुझे ज्वाइन किया। नाज़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। अच्छा नाज़िया, एक तो बात करेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, इंडिया में जब हम हमारे यहाँ पीस टीवी की ट्रांसमिशन आया करती थी तो बहुत बड़ा, मतलब बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हुआ करती थी। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे उस वक्त नहीं पता था, मैं क्या पता नहीं ये कहाँ पे इतने ज्यादा लोग जमा होते हैं और ये फिर वो मतलब अपनी तकरीरें करते थे, लोग क्वेश्चन करते थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपनी मतलब पर्सनल वो बता रहा हूँ आपको कि मुझे नहीं पता, मैं यार पता नहीं बंदा कौन है जी। कभी एक बुक का, यानी होली बुक्स जो होती हैं हर रिलीजन की, उस हवाले से हवाले दे के और वो करते रहते हैं। फिर इन पे पाबंदी लगी और ये पाबंदी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये बाकी भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक, इवन मलेशिया यहाँ पे ये रहते हैं वहां पे भी है। क्या हुआ कि एक तो ये वहां से निकले चले गए, अब नहीं आते, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान आए हुए हैं और तकरीबन एक महीने के लिए यहाँ पे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में कह रहे हैं कि वो कोई अपनी मतलब स्पीचेस देंगे और अपना कोई बात बात करेंगे। कैसा देख रहे हैं इन सारी सिचुएशन? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान के आवाम को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि जिस पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को पाला पोसा गया, जिस पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को रखा जा रहा है, जिस पाकिस्तान में हाफिज सईद को रखा जा रहा है, जिस पाकिस्तान में मसूद अजहर को रखा जा रहा है, उस पाकिस्तान में एक और ज़ाकिर नाइक चला गया है, एक और चला गया है। अब ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि भारत में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, आईबी, एनआईए, ईडी सब उनके पीछे लगी हुई है, उनके बोलना बेकार है, उसके पीछे लगी हुई है और वो अपनी जान बचा करके, वो अपने आप को गिरफ्तार होने के डर से वो यहाँ से भाग गया था। इसको मैं आसान लफ्जों में भी फकर भाई बताना चाहूंगी, ताकि जो लोग इतनी की बात और जियो पॉलिटिकल बात नहीं समझ पाते हैं या इंटेलिजेंस ब्यूरो और लॉ की बात नहीं समझ पाते हैं, कानून को उतनी पेचीदगी से नहीं समझ पाते हैं, आप देखिएगा कि जब भी आपको सोशल मीडिया पर कोई गाली देगा तो वो फेक अकाउंट बना करके देगा, लेकिन मैं और आप जैसे जिम्मेदार लोग कभी भी अपनी बातों को रखने के लिए फेक अकाउंट का सहारा नहीं लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। इस बात में तो 110% हर कोई अग्री करेगा। अच्छा, जो क्रिमिनल होता है वो हमेशा छुप करके वार करता है, हमेशा छुपा हुआ रहता है, अपने आप को एक गुफा में या एक कमरे में, एक हिडन एड्रेस में अपने आप को छुपा करके रखता है। लेकिन हम और आप जैसे जिम्मेदार लोग पूरे भीड़ भड़कते में भी आराम से छाती चौड़ा करके घूमते हैं, ठीक है। तो ज़ाकिर नाइक जब आप लोग वो पीस टीवी पे देखते थे तब भी वो अपनी एक फेक फैब्रिकेट सभा लगाता था, जिसमें वो पेड लोगों को पैसे देकर के लोगों को एक्ट करवाता था कि कन्वर्शन हो रहा है, और वो कन्वर्शन का भूत इतना चढ़ा कि फिर जो ओरिजिनल हिंदूज हैं वो भी जा करके सोचने लगे कि भाई जब लाखों लोगों को ज़ाकिर नाइक ने कन्वर्ट करवा दिया
तो फिर हम भी कर लेते हैं, हम भी उनकी बात को सुन लेते हैं, हम भी उनका उनका खुतबा और तबलीग सुन लेते हैं। बाद में धीरे धीरे भारत की सरकार को उस पर भी आपत्ति नहीं थी, भाई अगर कोई अपनी मर्जी से कन्वर्ट होना चाहता है तो उसमें हम क्यों मना करेंगे, हम क्यों बीच में इंटरवीन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर हुई जब उन्होंने जो स्कूल और कॉलेज खोला था उसमें से पीएफआई और टेररिज्म संगठन और ट्रेनिंग स्टार्ट करना उन्होंने स्टार्ट करवा दिया था जाकिर नायक ने। और जाकिर नायक जो इतना ज्यादा मतलब तबलीग दिया करते थे ह्यूमैनिटी की और फितरा जकात की और वक्फ की, वो इतनी तबलीग दिया करते थे, पर उनके स्कूल में उनके कॉलेज में कोई गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता था। जो अरबों खरबों पति के बच्चे होते थे वही पढ़ सकते थे क्योंकि फीस इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा फीस थी। तो ये तो कोई भी गूगल में सर्च कर सकता है कि जाकिर नायक सिर्फ भारत से भगोड़ा नहीं है और भारत का सिर्फ वो टेररिस्ट नहीं है या आतंकी हरकतें जिहादी हरकतें उसने सिर्फ भारत में नहीं किया है बल्कि दुनिया के कई मुस्लिम मुल्क भी, जैसे कतर उसको चढ़ने नहीं देना चाहता है, यूएई उसको चढ़ने नहीं देना चाहता है, मलेशिया में वो रह रहा था और मलेशिया में मेरे ख्याल से 11 या 12 महीना पहले उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि मलेशिया के मस्जिद में वो जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए। और उसके बाद से ही मलेशिया के जो की जो सरकार है वहां की गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर तनकीद करना और क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर दी थी कि ये नमाज पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन फिर वहां पर भी जहर उगलना स्टार्ट कर दिया है। तो कोई भी देश जो है वो अपनी शांति को भंग करना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। कोई भी देश जो है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं या जिहादी माइंडेड जो होते हैं उनको रख करके अपने अपने सुकून को, अपने देश के रिफॉर्मेशन को, अपने देश के इम्प्रूवमेंट को खत्म नहीं करना चाहता है। अब देखिए जाकिर नायक ने आज सुबह आपके पाकिस्तान के एक एबीएन न्यूज को के पॉडकास्ट में कहा है कि बांग्लादेश में अब जा करके वो इस्लामिक देश बना है और जो प्रोटेस्ट हुआ है उसने उसका समर्थन किया है जाकिर नायक ने। आज आज की बात मैं आपको बता रही हूँ, सुबह 10 बजे उस वो पाकिस्तान के एबीएन न्यूज पर बैठा था पॉडकास्ट के लिए और उसने खुले लफ्ज में कहा है कि बांग्लादेश को पहले गैर हिंदू चला रहे थे, मतलब हिंदू जो थे वो चला रहे थे, गैर मुस्लिम, गैर हिंदू नहीं, हाँ जी जी गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम चला रहे थे और हिंदुओं की मानसिकता से बांग्लादेश चल रहा था। तो जो प्रोटेस्ट हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है और जाकिर नायक ने ये उम्मीद जताई है अल्लाह तबारक ताला से कि अब जा करके जाकिर नायक को ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी और टेररिस्ट ग्रुप जो है वो बांग्लादेश को सही दिशा पर और अकॉर्डिंग टू शरिया लेकर के चल सकता है। दूसरा उसने उसी न्यूज चैनल के पॉडकास्ट में कहा है कि ये जो अरब में जो मुस्लिम एक इस्लामिक देश चल रहा है वो एक्चुअली में इस्लामिक देश नहीं चल रहा है, वो लोग शरिया को नहीं मान रहे, वो लोग अल कुरान को मान रहे हैं। अरे भैया तो अल कुरान ही तो मानना है हमें, जो हमारी अल्हामी किताब है हमें तो उसी को मानना है, और शरिया तो ब्रिटिश ने जिन्ना ने बैठ करके किसी स्कॉलर ने इन लोगों ने बनाया है, लेकिन अल कुरान हमारी अल्हामी किताब है, हमारी आसमानी किताब है, हमको तो उसी को मानना है। तीसरा उसने एक और बड़ी अजीब सी बात मुझे बहुत मतलब अंदेशा और एक हॉरर सिनेरियो नजर आया है कि उसी एबीएन न्यूज चैनल पाकिस्तान के उसने आज सुबह में पॉडकास्ट में कहा है जाकिर भगोड़े जाकिर नायक ने कि 3 मिलियन फॉलोअर कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते हैं भारत से, जो उसके प्रीच को उसके भड़काओ स्पीचेस को बहुत पसंद करते हैं और उसको अपना आका मानते हैं और कमेंट में लिखते हैं कि भारत की शान है जाकिर नायक। अब आप सोचिए कि ये तो हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को, अभी मैंने एक मेल किया है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को कि इस पर उन सारे लोगों का पूरा शिजरा और पूरा डिटेल्स निकाला जाए, जो लोग जो 3 मिलियन मुसलमान जाकिर नायक को अभी इस वक्त हमारे भारत में फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जाकिर नायक हमारे देश से लेकर के इस दुनिया के कई देशों का टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन का सरबरा है। तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान ही फूल का गुलदस्ता दे सकता है, पाकिस्तान ही रेड कार्पेट बिछा सकता है, पाकिस्तान ही उसके हाथ और पैर को
चूम सकता है, पाकिस्तान ही इतनी खुशी दिखा सकता है, अदरवाइज बाकी स्टेट ने तो उसको लात मारा हुआ है और भारत से तो वो लिटरली भागा है अपनी जान बचाने के लिए, अपना माल बचाने के लिए। और अभी इस वक्त जाकिर नायक के पास ये आतंकी हरकतें कर कुरा करके मतलब इतने धन और दौलत है, आपके यहाँ तो बड़ा दस्तरखान बिछ रहा है, बड़ा शाही अंदाज में उसका स्वागत हो रहा है, पर इसी जगह अगर कोई मुस्लिम मुल्क का अगर कोई इकोनॉमिस्ट चला आता, अगर कोई ब्यूरोक्रेट चला आता, तो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए फायदा देता। लेकिन अगर जाकिर नायक भी आया है तो वो इतना पैसे वाला है और उसने अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज से इतने पैसे कमाए हैं कि अगर उसका आधा भी आप लोगों को दान दे दे, आधा भी आप लोगों को फितरा जकात में दे दे आपकी सरकार को, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी सी बेटर दिखाई देगी। लेकिन क्योंकि जाकिर नायक को लूटने की आदत है और आतंक मचाने की आदत है, और हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है जाकिर नायक के फितरत को कि वो कितना बहुत अश्लील आदमी भी है, औरतों के साथ बहुत बदतमीजी से और सेक्स वेक्स की बातें कर कर करके भी वो अपनी तबलीग को रखता था, तो हमें तो पता है कि वो पाकिस्तान में या तो बस जाएगा और या तो फिर अपना फेम शोहरत लेकर के फिर कहीं और कूच करेगा, कहीं और भाग करके अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा, या पाकिस्तान की सरकार ये दुनिया को दिखाएगी कि जाकिर नायक वापस चला गया है, लेकिन उसामा बिन लादेन की तरह उसको भी किसी गार में छुपा करके रखी रहेगी, और जब पूरी दुनिया का फोर्स और पुलिस उसको ढूंढेगा, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ढूंढेगा, तो हमें 5-10 साल के बाद पता चलेगा कि जाकिर नायक पाकिस्तान से ही अरेस्ट हुआ या पाकिस्तान में ही गोली लगकर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे आपने देखा भारत की बेटी नाज़िया लाई खान जी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और खासकर डॉक्टर जाकिर नायक जो भारत से भागा हुआ एक भगोड़ा है उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया। वो कहते हैं ना कचरा कहाँ जाएगा, कचरे के ढेर में, वैसे डॉक्टर जाकिर नायक जो है वो पाकिस्तान जा चुका है और अब उसके वही प्लान है कि वो पाकिस्तान में सेटल होगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।